हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो है क्लास नाइन्थ का जो मोमेंट्स बुक है उसका एक चैप्टर नंबर एट करेंगे। उसका नाम है ए हाउस इज नॉट ए होम। तो बच्चों, इसमें जो है टीनेजर्स लोगों की प्रॉब्लम के बारे में, जब वो बड़े होते हैं तो उनकी जो कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करते हैं उसके बारे में बताया है। लेखक खुद ने बताया कि किस तरह से जब वो टीनेजर थे तो वो किस तरह से उन्होंने ये सब चीजें इनको इससे उन्होंने ओवरकम किया है ना। तो ये एक चैप्टर के बारे में है। अब से क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर नोटिस ऑन वन संडे आफ्टरनून, व्हाट इज हिज मदर्स रिएक्शन, उनकी माँ का रिएक्शन क्या था, व्हाट डज शी डू, और उन्होंने क्या किया। मतलब जो एक बार ऑथर ने संडे आफ्टरनून को क्या नोटिस किया, उनकी मदर का क्या रिएक्शन था, और उन्होंने व्हाट डज शी डू, और उन्होंने उसकी मां की मां ने क्या किया। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑथर थे, तो जब वो अपना काम कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज नोटिस की कि भाई जो है कुछ धुआं टाइप का निकल रहा है छत पे से, और जो उनका कमरा था वो थोड़ी देर में वहां पर धुआं भर गया। और ऑथर और जिनकी मां थी वो तुरंत जो है अपनी जान बचाने के लिए कमरे के बाहर की ओर भागे। और इनकी जो मां है वो जब बाहर जाने से पहले उन्होंने क्या किया, कुछ एक उनका बॉक्स था मेटल का जिसमें कुछ जरूरी कागज थे, तो वो जो है उसको लेने के लिए अंदर गई। और तो ये जो है, और वो काफी मतलब शी बिकेम सो क्रेजी दैट शी रश्ड बैक टू द हाउस जस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग द बॉक्स। वो ड्रॉप बॉक्स करने के बाद में वो तुरंत जो है, मतलब एक चीज को आप ले आए हो फिर दोबारा से आप अंदर जा रहे हो। तो ये पहला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग। Why does he break down in tears after the fire? Why does he break down? ऑथर जो है रोने लगे आग के बाद, जो उनके घर में आग लगी, तो क्यों। तो बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो ऑथर का जो हाउस था वो जब जला तो उन्होंने बाहर आए और उनकी मां अंदर गई लेने के लिए कुछ सामान, और वो बाहर आई और फिर दोबारा अंदर गई। और बच्चों, उनका मकान जो है आग काफी लग गई थी, वो पूरी तरह से जल गया। और 5 घंटे बच्चों बीतने के बावजूद भी, मतलब 5 घंटे के बाद जो है वो आग पर काबू पाया गया। और उन्होंने, ऑथर ने ये भी महसूस किया कि भाई उनका बिल्ली भी नहीं मिल रही है। भाई जो छोटी सी बिल्ली भी थी जो उन्होंने पाल रखी थी वो भी उनको दिखाई नहीं दे रही है। तो उनको ये लगा कि भाई बिल्ली भी शायद आग में जल के खत्म हो गई हो। फिर जो है उनका जो है ओल्ड स्कूल का जो लॉस था वो भी उनको झेलना पड़ा। मतलब जो है उनका, उन्होंने क्या फेस किया, उन्होंने जो लॉस ऑफ ओल्ड स्कूल फेस किया, उनका मकान, उनकी बिल्ली, ठीक है। और इस अवस्था में जब कुछ भी नहीं बचा तो वो रोने लगे, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई इज द ऑथर डीपली एम्बरेस्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल, विच वर्ड्स शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी। तो अगले दिन जो है वो काफी एम्बरेस्ड है स्कूल में, और वो कौन से शब्द थे जो ये शो कर रहे थे डर और असुरक्षा की भावना, तो इसको अपन समझते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था
ऑथर बहुत दुखी थे कि उनके पास में कुछ भी नहीं बचा। उनके पास में ना तो अच्छे ड्रेस थे ना स्टडी मटेरियल था, सब कुछ जल गया था। मैंने आपको बताया था अभी ऊपर, उनके पास किसी भी तरह की कोई भी चीज नहीं थी और कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था बच्चों, इसलिए वो असुरक्षा की भावना उनके मन में आ गई थी। जितनी भी चीज थी सब उनको स्ट्रेंज लग रही थी, बड़े अजीब अजीब लग रही थी और काफी फ्रस्ट्रेटेड थे, वो काफी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। ठीक है बच्चों, और यहां पर जो है जो शब्द उनके द्वारा निकाले गए थे वो थे, वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड ए गीक ऑल माय लाइफ। ठीक है, इस तरह से कि क्या मैं पूरी जिंदगी इसी तरह से रहूंगा। और फिर उन्होंने जो है ये डिसाइड किया कि आई डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अप चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ इट वॉज टू गोइंग इफ इट वॉज टू गोइंग टू बी दिस वे, अगर इसी तरह से चलेगा तो मैं जो है मैं जी के भी क्या करूंगा। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई रिवील हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी। तो ये मरने की भावना ये शो करती थी बच्चों कि उनमें जो है फियर और इनसिक्योरिटी की भावना घर कर रही है, मतलब उससे जूझ रहे हैं क्योंकि ना तो कोई भी आसपास नहीं है जिसको वो अपना कह सकें और कुछ भी नहीं बचा उनकी लाइफ में, सब कुछ खत्म सा हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, हाउ हैज दिस बीन शोन इन द स्टोरी। स्टोरी में ये कैसे दर्शाया गया है, बताया गया है कि कैट और जो ऑथर जो है वो बहुत एक दूसरे के फॉन्ड, मतलब एक दूसरे को काफी मतलब रह नहीं सकते, बहुत पसंद करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर, और आग लगने के बाद में कैट की क्या स्थिति थी, कैट कहां गई, हु ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ, और कौन उसको लेके आता है और कैसे। तो बच्चों मैंने आपको जैसे बताया था, अब वो चीज तो मैं रिपीट नहीं करूंगा लेकिन आगे आपको ये बता देता हूं कि जो ऑथर है वो कैट से बहुत प्यार करते थे और कभी भी जो है उसको अपने से दूर नहीं रखते थे, और जब वो होमवर्क किया करते थे बच्चों तो वो अपने पास में ही अपने बिल्ली को बैठा के रखते थे और बिल्ली इधर उधर कभी शरारत भी किया करती थी, कभी इधर उधर घुमा भी करती थी, कई बार उनको नुकसान भी करती थी जिससे उनको गुस्सा भी आती थी। और बच्चों हम देखेंगे बाद में जब उनको अपनी बिल्ली दोबारा मिलती है तो जो उनकी खुशी है वो उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो क्यों नहीं लगाया जा सकता बच्चों, क्योंकि उनके पास में कुछ भी नहीं था, मकान और जो भी चीजें थी मां उनकी, मतलब कुछ भी नहीं बचा था। तो जब उनको उनकी बिल्ली मिल जाती वापस तो वो इतने खुश होते हैं बच्चों कि वो समझ नहीं सकते इस चीज को, बियॉन्ड द लिमिट्स है ना बच्चों। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही ग्रैब्ड हर क्विकली एंड फेल्ट रिलीफ, उसको उन्होंने अपने पास में लेके आए, उसको लगाया अपने छाती से और काफी उनको जैसा लग बहुत आराम मिला उसको। दिस प्रूव दैट दे वर फॉन्ड ऑफ ईच अदर, और ये शो करता है कि वो एक दूसरे कितना पसंद करते थे है ना। और द कैट रैन ओवर ए माइल अवे व्हेन द हाउस वाज ऑन फायर। और जो लास्ट क्वेश्चन इसमें जब तीन पार्ट है इस क्वेश्चन में, तो जो पूछा है ना कि इसमें बिल्ली कैसे आई थी, कौन लेके आया, तो बच्चों जब उस मकान में आग लगी थी और थरके तो बिल्ली जो है डर के मारे काफी दूर निकल के भाग गई थी, और स्ट्रेंजर लेडी ब्रॉट इट बैक
एज देयर वॉज ए फोन नंबर रिटन ऑन द कॉलर ऑफ द कैट। और जो एक लेडी थी उसको वो बिल्ली मिली, और सबसे अच्छी बात क्या हुई बच्चों कि उस कैट के पट्टा लगा था, पट्टे में कुछ नंबर लिखे थे, और उस नंबर के माध्यम से उस लेडी ने इस बिल्ली को दोबारा से ऑथर को लाने में वो सफल रही। ठीक है बच्चों, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट एक्शन ऑफ द स्कूलमेट्स चेंज द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल एंड कंफर्ट हिम इमोशनली? हाउ डस हिज लोनलीनेस वैनिश एंड हाउ डस ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ? तो बच्चों जो उसके स्कूलमेट्स थे ऑथर के, वो काफी तरह की चीजें जो है उनको दिया करते थे, कॉपी किताब पेंसिल वगैरह उनको मदद करते थे, और ये चीज जो है काफी मतलब इट वॉज ए मैटर ऑफ सरप्राइज, और ये काफी डिफिकल्ट था, वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ऐसे लोग भी जो उनसे बात नहीं करते थे कभी वो मदद कर के लिए आगे आ रहे हैं, और जो है इमोशनल हो गए, वो इमोशनल हो जाए करते थे अक्सर जब उनको उस सब जरूरत की चीज उनको मिला करती थी, तो कभी मशहूर भी हो जाया करते थे, और ऐसे लोग जो उनको नहीं जानते थे वो भी जो है आगे आते थे मदद करते थे। तो ये सब चीजें बच्चों, इन सब चीजों से उनकी लाइफ में इंटरेस्ट आ गया दोबारा से, इन सब चीजों से लाइफ में उनका इंटरेस्ट आ गया। उन्होंने सोचा कि भाई जो है मेरा नेगेटिव होने का कोई मतलब है नहीं, और जो है धीरे धीरे जो है उनका इंटरेस्ट लाइफ में दोबारा आया। उनको ये लगा वाकई में कि भाई ये लाइफ में जो है ऐसा नहीं है, इस लाइफ में सुख दुख एक पार्ट है जो आते जाते रहते हैं, हमको दुख जब हम दुखी होते हैं उस पॉइंट पर हमको थोड़ा सा हिम्मत और बांधनी चाहिए, और थोड़ा सा अपने को डाइवर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर जो है उनके पीयर ग्रुप की वजह से जो उनके साथी थे दोस्त थे और सब लोगों ने उनको अच्छा मतलब अच्छा जो है मोटिवेट किया उनको, और वो दोबारा से लाइफ को एंजॉय करने लगे, और ही स्टार्टेड एंजॉयिंग हिज लाइफ एज यूजुअल। तो ये भी आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग स्लाइड में। एक बच्चों हमारा जो है टॉक अबाउट इट सेक्शन पेज नंबर 55 का एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं। हैव एनी ऑफ योर क्लासमेट्स या स्कूलमेट्स हैड एन एक्सपीरियंस लाइक द वन डिस्क्राइब इन द स्टोरी वेयर दे नीडेड हेल्प? डिस्क्राइब हाउ दे वर हेल्प। बच्चों जैसा इस कहानी में बताया गया है वैसा ही क्या आपके कोई क्लासमेट्स या स्कूलमेट्स क्या इनका भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है? तो आप जो है आप बताएं कि कैसे उनकी मदद की गई और कैसे जो है जिस इस तरह से इस चैप्टर में ऑथर जिसे निकल के आए थे, तो ऐसे ही कोई आपके पास में कोई अनुभव है एक्सपीरियंस है तो उसको आप बताइए। डिस्क्राइब हाउ दे वर हेल्प, और किस तरह से उनकी मदद हुई ये आप बताएं थोड़ा सा। तो बच्चों इन्हें बताया कि भाई 2 साल पहले की बात है, मेरा जो फ्रेंड था जिसका नाम अमित था, वो उन्हें विजिट किया मार्केट कुछ सामान लेने के लिए, और बच्चों वो जगह काफी भीड़ भाड़ वाली थी मार्केट, तो आपको मालूम ही है। और जैसा इस कहानी में हुआ ऑथर
पत्थर के घर में आग लगी थी, वैसे ही बच्चों उस शॉप में हुआ और शॉप शॉर्ट सर्किट के कारण उस दुकान में आग लग गई और जो है सब तरफ अफरा तफरी मच गई, सब लोग इधर उधर भागने लगे। मेरा जो फ्रेंड था वो भी जो है वो जगह को छोड़ने के फिराक में था, वो भी इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद में उसने देखा कि जो है तीन लोग और वो लॉक्ड हो गए नियर बाय शॉप में, स्मोक से बचने के लिए, मतलब धुएं से बचने के लिए वो जो है किसी एक शॉप में जो है वो उन्होंने अपने आप को लॉक कर लिया है ना, कि धुएं से बच जाएं। लेकिन जो है वो शॉप के अंदर भी धुआं थोड़ी देर में पूरा फैल गया और उनकी दम घुटने लगा उन लोगों का उसमें। अब उनको लगा कि भाई उनका जो है अब वो बस खत्म होने वाले हैं, वो उनका अंत पास में ही है। और उसी समय बच्चों की जो है एक एनजीओ जो है उन्होंने जो है शटर को तोड़ा और उनको जो है बाहर लेके गए और उनको तुरंत जो है हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। और आई कुड गेट माई लाइफ माई फ्रेंड बैक बिकॉज ऑफ द टीम एंड ग्रेस ऑफ गॉड। और मैंने जो है बच्चों अपने फ्रेंड को वापस पाया क्योंकि उस टीम के कारण, वो टीम जो 11th आवर आई इन मौके पर आई और उन्होंने जो उनकी जान बचाई। तो इसके लिए जो है मैं उस टीम का, एनजीओ की टीम जिन्होंने शटर को तोड़ के अंदर आए और भगवान की कृपा से जो है, तो इसलिए जो है ये हमारा अनुभव था जो हमने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।